स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर आपके और थर्ड पार्टी के बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। कलेक्टिव प्लस टाइम बेस्ड रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। थीटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान किस पे देगा देंगे आप? एनर्जीज पे। ठीक है, चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम, जहाँ पे देखेंगे दोनों की एनर्जीज को। यूनिवर्स सबसे पहले मुझे गाइड करे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए उनके पार्टनर क्या फील करते हैं। आज की फीलिंग ये, आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए उनके पार्टनर क्या फील करते हैं आज के बारे में बताएं। आज की करंट एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे पता है थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या फील करते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में इनके पार्टनर क्या फील करते हैं। जो भी थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में है, जो भी तीसरा इंसान इनकी जिंदगी में इन दोनों के बीच आया है, उनके बारे में इनके पार्टनर क्या फील करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्स। ओ गॉड, माय गुडनेस, चलो यार बढ़िया है। सो ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस से मैंने बताया है। राशि में बता देती हूँ, आपकी साइन हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, लोगों को कैप्रिकॉन, कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कुछ लोगों के लिए मुझे कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एनर्जी मिली है और कुछ लोगों के लिए मुझे कन्या, वर्गो एनर्जी मिली है। ठीक है, सो वाइफ एंड वर्सा है जो हाईलाइटेड साइन है, मैंने वही बताई है आपको। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जितने रंगीन आपके साथ है उतने ही उल्टे आपके थर्ड पार्टी के साथ है। चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हो या निभा रहे हो, व्हाट सो एवर, बट आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत डिफरेंट है। अब अपनी एनर्जीज में देखना, सारे हंसने और इंजॉय करने वाले मेमोरीज हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ देखो तलवार, चक्कू, इश्यूज ही इश्यूज, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, रोना धोना। तो ये शुरुआत में ही अब मैं आपको गाइडेंस बता दे रही हूँ कि देखो इस तरीके की एनर्जी में डिफरेंस है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आपके साथ बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील करते हैं। आप उनकी जिंदगी का बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन हो, आप उनको लाइफ जीने को लगा देते हो, लाइफ को कैसे इंजॉय करना है, जीना है, लाइफ में स्पाइस अप कैसे करना है, आप उनके लिए एक स्ट्रांग एनर्जी हो। अगर आपको एक साथ कुछ काम दिया जाए ना, बहुत अच्छे से उस काम को निभाना जानते हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप हर सूरत में सक्षम हो, यहाँ पे मतलब कह सकते सर्व गुण संपन्न, चाहे आपका ऑफिस का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे घर की जिम्मेदारी हो, आप सभी चीजों में बहुत अच्छे दर्जे पर आते हैं। हर चीज में आप हमेशा बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं, चाहे फिर वो इनकी सेवा हो। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप एक साथ ना बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे सकते हो। अब मान के चलो एक इंसान जो होता है ना वो सिर्फ एक टाइम पे एक समय पे एक ही जगह फोकस्ड होता है कि चलो ये काम करना है इसी पे ध्यान देंगे, बाकी सारे लोगों को वैल्यू नहीं करेंगे। बट आप सब जगह बैलेंस रहते हो, सब जगह इक्वल रहते हो, सबके साथ बनाकर रहना और सबकी जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से संभालना, साथ ही साथ आपके पार्टनर को खुश कैसे रखना, ये भी कलाकारी आपके अंदर है। आप बहुत स्ट्रांग लेवल पे क्रिएटिव हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप स्पाइस करना, मतलब एक सेकेंड ना, आप स्पाइस अप करना, एंजॉय करना अच्छे से जानते हो। अपने रिश्तों में ना मिठास लाना आपने सीखा है, बट दैट डजंट मीन कि आप बहुत मीठा ही बोलते हो, आप कड़वा भी बोलते हो। ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज को आप सुनकर लेते हो कि ठीक है भाई तुम तो, आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो उसको कैसे आपको रिएक्शन देना है वो भी आपको अच्छे से पता है, आप जवाब देना जानते हो, कहाँ कैसा होना चाहिए वो आपका एक, बोलते ना एक इंसान हो आप लेकिन आपके रूप कई है। ठीक है, आपके अलग अलग काफी रूप है, मैं गिरगिट नहीं कह रही हूँ आपको, डोंट वरी। ठीक है, ये एक सुंदर चीज है, ये अच्छी चीज है, इंसान को पता होना चाहिए हर, मतलब ये मेरे पार्टनर का कहना है, मुझे मेरे पार्टनर कहते हैं हमेशा, इंसान हमेशा परफेक्ट वही जिसके हर एक जगह अलग रोल्स होते हैं। जब वो वर्क प्लेस में हो तो वो सिर्फ वर्क कर रहा हो, उसको प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है, लेकिन जब वो लव में हो तो आय हाय हाय पूरी तरह से दीवाना हो, रोमांटिक रहे, क्योंकि जब गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहा है तो वो सिर्फ गर्लफ्रेंड का है, लेकिन अगर वो व्यक्ति फैमिली में है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखानी है, जिम्मेदार बन के दिखाना है। इसी तरह आप रोल्स परफॉर्म करना जानते हो, कहाँ कौन सा रोल आपको दिखाना है वो अच्छे से आता है आपको। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि दोगले बोगले हो तो गलत मत ले लेना कि आ दीदी वो दोगला बोल रहे हो क्या, गलत सेंस में मत चले जाना। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपके साथ एक बोलते हैं ना एक स्ट्रांग लाइफस्टाइल जीते, मतलब उनको लगता है जैसे कि आप उनको एक किंग या क्वीन जैसी फीलिंग देते हो, हमेशा से आप इनको अपनी जिंदगी में राजा की पदवी पे बैठाते हो,
नहीं भी हुए ना, मैं बोलती हूँ जब पैसे इतने शायद खास नहीं भी हुए ना, तभी भी आप इनको ऐसी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े ज्ञान की चीजें दे देते हो ना, जिससे इनको लगता है कि वाह यार मैं किसी से कम नहीं। मतलब आप मीठा मीठा बोल देते हो अपने पार्टनर को पावर में लाने के लिए, आपको उनकी वीक पॉइंट पता है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि जितना आप उनको, एक सेकेंड ना, कोई डोर पे है, आप उनको खुद में विश्वास करना सिखाते हो। आप बेसिकली जानते हो कि अच्छे से आपके पार्टनर को कैसे चीजों के लिए कन्विंस करना है। यानी कि अगर आपके पार्टनर कोई काम शुरू कर रहे हैं और आपको लग रहा है वो काम में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ये एक फायदे की चीज है जिसमें इनकी जिंदगी में अच्छी खासी ग्रोथ पैसा आ सकता है, लेकिन आपके पार्टनर ये कहते हैं यार मुझे इसमें ना कुछ डाउट सा है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो आप उन्हें कहते हैं कि नहीं यार मेरे को क्या लगता है ना कि तुम इसके बाद ये जो काम शुरू होगा ना, तो उस चेयर पे जब तुम बैठोगे ना, वाओ यार क्या लगेगा तुम उस चेयर पे जब बैठोगे। मतलब आप उनको एक इमेजिनरी दुनिया दे देते हो जिसमें उनका बिलीफ बढ़ जाता है, कि आप उनको वो कॉन्फिडेंस है, वो सपना दिखा देते हो जिन पे उनका विश्वास अटूट होता है कि वो कर सकते हैं। ये ओवरऑल हर एस्पेक्ट पे बोल रही हूँ। मतलब हो सकता है कि वो उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली या किसी भी, आप अपने, जैसे उन्होंने अपने फैमिली की भी शिकायत कर ली, यार मेरी फैमिली पता है ऐसा कर रही है मेरे साथ, तो आप बोलते हो गलत बात है यार, फैमिली तुम्हें नहीं समझ रहे। लेकिन यार कभी कभी तुम फैमिली का सुन भी लिया करो, कभी कभी होता है यार उनका भी मूड ऐसा होगा। मतलब आप अच्छे से बोल देते हो, जहां पे आप अपनी बात भी रखते हो और उन्हें भी, आप अच्छे से उनको बोलना चाहते हो कि तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी फैमिली के साथ तुमने गलत किया, लेकिन आप उसके तरीके से बोलते हो यार तुम सही हो, यार तुम्हारे साथ तो बहुत फैमिली गलत कर रही है, लेकिन यार तुम्हें भी कभी कभी सुन लेना चाहिए फैमिली की बात। आपने दोनों तरफ से अपना जो है काम कर दिया। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रांग इंटेलिजेंस है, आप चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे संभालने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे इनको संभालने का एक अच्छे, बोलते ना आपके अंदर एक स्ट्रांग ऑरा है, एक स्ट्रांग एनर्जी है आपके अंदर। आपके पार्टनर को लगता है कि रोमांस के मामले में भी आप उच्च दर्जे पे हो हमेशा से। रोमांटिक रोमांस कैसे, ये अगर इनिशिएट करे तो आप उसको और अच्छी उड़ान देना जानते हो। इन्होंने फूल दिया, बुके दोगे, इन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल चीज की तो आप उससे दुगना करोगे। कई कई बार उस मोमेंट्स को स्पेशल बनाने के लिए एफर्ट्स भी आपके पहले होते हैं, आप पहले एफर्ट डालते हो, इनके एफर्ट्स बाद में होते हैं। चाहे फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे साथ में खाना खाने का हो, आप हर मोमेंट को स्पेशल बनाना जानते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बोलते हैं ना, वो 5 मिनट भी जो वो आपको देते हैं, उस 5 मिनट को कैसे स्पेशल बनाना है, ये आपके अंदर कलाकारी और ये आपके इस अंदाज को, इस एनर्जी को पसंद करते हैं। इन्हें कभी कभी लगता है कि आप जो है कभी कभी बहुत ज्यादा इनसे हेल्प मांगते हो। कभी कभी होता है ना बच्चों जैसा बिहेव करते हो कि अरे मेरे को ना वो चाहिए, मतलब चाहिए, तो उनको आपकी जिदें, आपका हेल्प मांगना पसंद है। क्योंकि जब आप इनसे हेल्प मांगते हो ना, तो ये इनको और ज्यादा खुद पे स्ट्रांग फील होता है, इनको लगता है वाओ यार मतलब मैं स्ट्रांग हूं, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मतलब उसको ये चीज दिला रहा हूँ। आपका डायरेक्ट खुद होकर मांगना, खुद होकर अपनी इच्छाओं को रखना, ये इनको बहुत ज्यादा अपने अंदर और एक्साइटमेंट लेकर आता है, इनको और स्ट्रांग फील कराता है, और उनको लगता है वाओ मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इसको ये दे पाता हूँ, ये इसके लिए कर पाता हूँ। क्योंकि आप थैंक यू लिटरली दिल से बोलते हो, आप फेक नहीं हो, आप मुंह पे नहीं बोल, आप बिना मुंह पे बोल गया है ये क्या ले आए पागल, कुछ भी उठा कर ले आए, ये मुझे नहीं पसंद। यानी कि आपका स्वभाव ऐसा है, अगर उन्होंने डायमंड नेकलेस लाकर दे दिया बोलोगे यार कुछ खास नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला आज तेरी फेवरेट भेलपूरी लाया हूँ, तो बस आप तो पूरे दीवाने, आज साथ में खाएंगे, लाओ थाली। तो मतलब इस तरीके की एक एनर्जी है जिसमें आप एकदम विपरीत इंसान, एकदम मस्त मौला, एंजॉय करना जानते हो, हंसते भी हो हंसाते भी हो, आपकी ये एनर्जीज उनको और लुभाती है। साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी में कैसे सिक्योर रहना है, सेफ रहना है, खुद को कैसे ढकना है, खुद को कैसे ओपन दिखाना है, कितना दिखना है कितना नहीं, अच्छे से पता है। आप अपने पार्टनर के सामने पूरी तरह ओपन, लेकिन दूसरों के सामने आप एकदम सिक्योर, एकदम कितना बोलना है कितना ज्यादा नहीं बोलना है ये आपको अच्छे से पता है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, बंद दीवारों में अगर देखा जाए तो आप एक प्रॉपर परफेक्ट वाइफ या एक हस्बैंड मटेरियल बनते हो, जहां पे बीवी के अलावा भाई मैं किसी को तो नहीं देखूंगा, या मैं पति के अलावा किसी की नहीं हो सकती, भाई मुझ पर ट्राई भी मत मारो, किसी ने फ्लर्ट भी कर लिया तो भाई बेटा मेरा बंदा अभी भी है, वो वाली एक एनर्जी आपके अंदर से आती है। आप इतना प्यार से सामने वाले को मना करते हो, सामने वाले का दिल टूट जाता है, लेकिन आपके पार्टनर खुद पे बहुत प्राउड फील करते हैं, आ ले देखा वो मेरी है, मेरी आया बड़ा मांगने वाला। सो इस तरीके की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ जितना एंजॉय करते हैं उतना किसी के साथ नहीं। आपके साथ घूमने का भी एक अलग ही नेचर होता है, क्योंकि आप जो है इनके साथ इस तरह नहीं घूमते हो कि ओ प्यार में हाथ डाल के मेरा लवू बाबू, नहीं,
आप दोनों उल्टा बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो। अब बकायदा बोलते अरे वो देखो पागल चुड़ैल ने कपड़े कैसे पहने, भाग पागल कुछ भी पहनती है, अरे आज लोगों का आपके बंदा भी शुरू है, आजकल लोगों का यही हो गया पता नहीं क्या पहनने, मतलब फ्रेंडली टॉक है। आप लोग ये नहीं ओ लबू बाबू तूने मुझे मिस किया ताना खाया, वो आप लोग नहीं करते हो, आप इनको इनके दोस्त बनकर दिखाते हो, बकायदा इनके दोस्तों के साथ भी आप इनको कंफर्टेबल फील कराते हो, यार ठीक है दोस्त हैं चलो मैं चलो ये खिलाती हूँ वो करती हूँ, चलो दोस्त है इनके साथ ऐसे रहना है, मतलब ऐसे नहीं रहते हो कि ओ हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए टूट फरे हैं पागल हो रहे हैं, नहीं आप उनको उनका स्पेस देते हो कि यार इंजॉय करो कोई बात नहीं सोशलाइज करना है ओके नो प्रॉब्लम इंजॉय हैव फन, अच्छा मुझे कंपनी देनी है ओ चलो यार मजा आएगा, आप उनके दोस्तों के साथ दोस्त बन जाते हो, इंजॉय करना जानते हो, आप हंसाते हो मस्ती कराते हो, कहीं भी कुछ हो आपको बस ऐसा है कि माहौल बनाना आता है, महफिल की जान भी बनते हो, सोशलाइज करने में भी होशियार हो और सुंदरता में भी बहुत आगे, अच्छी ड्रेसिंग सेंस अच्छा कॉमन सेंस दोनों आप में बहुत भरपूर है, ये सारी एनर्जीज आपकी हैं। अब बात करें थर्ड पार्टी की, चलो यार थोड़ा मूड ऑफ कर लिया जाए नहीं, थर्ड पार्टी का ठीक है। सो आपके पार्टनर कभी नहीं रहे थर्ड पार्टी को लेकर श्योर, कभी नहीं, उन्हें थर्ड पार्टी के साथ हमेशा एक डाउटफुल एनर्जी फील हुई, जिसमें उनको हमेशा एक बोलते ना ये लगा कि यार थर्ड पार्टी बहुत सारी चीजें इनसे छुपाती है या ये जानते ही नहीं उस इस व्यक्ति को या इनके सामने वो कभी ओपन हुई ही नहीं, इनको हमेशा लगता है कि इस इंसान की कोई बोलते ना एक और लेयर हो सकती है, जैसे ऑनियन की होती है ना कांदा का, कांदा मराठी में बोलते हैं ना प्याज, प्याज प्याज की जैसे लेयर्स होती है, परत दर परत खोलते जाओ कुछ उस तरीके की, इनको लगता है थर्ड पार्टी की बहुत सारी लेयर्स है जिनके बारे में ये नहीं जानते, इनको हमेशा कभी फिशी लगता है कभी डाउट लगता है, कभी इनको लगता है कि सब अच्छा होगा कभी इनको लगता है नहीं यार कुछ गड़बड़ है, ये बंदी वैसी नहीं है या बंदा वैसा नहीं है जैसा मैं इसको सोच रहा हूँ, दाल पे कुछ तो काला है, वो वाली एक एनर्जी जहाँ पे थर्ड पार्टी इनको हमेशा क्यूरस बनाए रखती है, कभी भी पूरी तरह खुलती नहीं इनके सामने, इनको हमेशा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो मैं इसके बारे में नहीं जानता जो शायद बहुत कड़वा हो सकता है या कुछ चीजें, यानी कि अगर थर्ड पार्टी का मान के चलो उनकी उनकी वाइफ है या उनकी गर्लफ्रेंड है, थर्ड पार्टी का कोई अफेयर रहा होगा तो ये इनसे छुपा देती है, नहीं बताती उनको, ये बोलते भले ये बोलते कि पास्ट है कोई बात नहीं तुम मुझे बताओ, बोले है ही नहीं कोई था ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ, तो आपके पार्टनर को ना हमेशा लगता है कि कुछ फिशी है कुछ है जो ये छुपाती है, ये बताती नहीं या बताता नहीं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, हो सकता है घर में किसी तरीके का कलेश होता है लेकिन इनके आने के बाद वो कलेश खत्म हो जाता है, इनको लगता है कि अरे हुआ क्या, और जैसे ही इनकी तरफ देखते हैं वो रोने धोने लगते हैं हाँ देखो पता है मेरे साथ क्या हुआ, जबकि कलेश का कारण भी यही होंगे, तो इनके इनको हमेशा से लगता है यार कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता चलता, मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसी कहानी जरूर है जो मैं इसकी जानता नहीं हूँ। आपके पार्टनर आपके काफी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यस आपके पार्टनर बात करें थर्ड पार्टी की तो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा इगोइस्टिक मानते हैं, इनको लगता है कि ये ईगो पे बहुत ज्यादा होते हैं, स्टबर्न नेचर इनका ज्यादा है कि मेरे को ये चाहिए मेरे को वो चाहिए, या जरूरत से ज्यादा अथॉरिटेटिव डोमिनेंट नेचर थर्ड पार्टी का ज्यादा है, थोड़ा सा उनको डोमिनेट करना अथॉरिटेटिव मेरे को ये करना है मेरे को ये मैं करने की आदत थर्ड पार्टी को ज्यादा है, इनको ये बात अच्छी नहीं लगती, इनको लगता है सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहे, इनको तो पड़ी नहीं मुझे क्या चाहिए वो इनके लिए मायने नहीं रखता है, इनको तो सिर्फ यही दिखता है कि इनको क्या चाहिए, ये सेल्फिश समझते हैं, कई कई बार उनको लगता है यार ये सेल्फिश हो जाते हैं, मेरे को तो कभी थैंक यू भी नहीं बोलते मुंह पे कि भाई मैंने ये किया है, उल्टा मैं जो चीज लाया हूँ उसमें से भी कीड़े निकल आते हैं कि भाई ये यार ये तुमने गलत किया भाई तुम ये क्यों ले आए, तो इनको लगता है अरे यार मैं लाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ना आप डायमंड नेकलेस को देखकर ऐसे बोले कि भाग पागल भेलपुरी लाया वाह मजा आ गया, वो होता है ना, बट थर्ड पार्टी के साथ ऐसा नहीं, भाई तू भेलपुरी क्या उठा कर ले आया, डायमंड नेकलेस ठीक ये वाला दूसरा वाला लेना चाहिए था, मतलब इस तरीके की एनर्जी, ठीक है तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगी ग्रीडी है बट थैंकफुल नहीं है, बिल्कुल भी थैंक यू बोलना नहीं जानते कि यार ओ सो स्वीट तू मेरे लिए ये लाया वाओ थैंक यू, नहीं अरे यार ये क्यों अब ये ही लाया तुम्हारा क्या है, ठीक है यार ये लाया है चल कुछ तो गड़बड़ होगी, ये बिना वजह तो मेरे को गिफ्ट नहीं देगा, ये पक्का अपना कोई भेद छुपाने की कोशिश कर रहा है, आपका पार्टनर देखे भी फंसा ना देखे भी फंसा आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अपने ऊपर किसी को ज्यादा रखते नहीं, मतलब इतना उनको अपने ऊपर किसी की पड़ी नहीं रहती, उनको क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट रहता है, फिर वो उसके लिए साम दाम धंड भेज और मैनिपुलेशन और डिप्लोमेटिक रहना अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं खेलना खिलवाड़ करना ये कहीं ना कहीं इस ऑरा को भाप चुके हैं, इन्हें लगता है ये अपने धुन में चलते हैं और बहुत इमेच्योर रहते हैं, इमेच्योरिटी के सामने जहां तक देखा जाए बचपना इतना ज्यादा है कि कभी कभी इन्हें कोई चीज समझाओ तो इनके पल्ले पड़ती नहीं, आपके पार्टनर को ये लगता है कि कभी कभी इनका बिहेवियर इतना बेकार हो जाता है कि ये रिश्ते बार बार तोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ना रिश्ते तोड़ने की बातें बहुत करते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं समझ में आ रहा चलो ये रिश्ता तोड़ देते हैं आज के बाद हम दोनों का रिश्ता नहीं, इनको लगता है क्या मजाक है रिश्ता तोड़ना, मजाक है हलवा है,
तो वो वाली एक एनर्जी है जहां पे आपके पार्टनर इरिटेट हो जाते हैं इनके इस बार बार के बकवास से। इनको लगता है कि यार हलवा मतलब मजाक लगा रखा है, इनको लगता है बच्चों जैसा स्वभाव है, या तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं एकदम से, क्या देखा तूने भी मेरे साथ ऐसा किया, देखा भगवान देख रहा है, तो इनको लगता है ओ गॉड कहाँ फंस गया। हर दिन एक नया स्ट्रेस, हर दिन एक नया ट्रॉमा, और इनको लगता है ओ हो क्या करिए क्या किया जाए। शक्की बहुत है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा शक्की है, ऐसा दिखाई दे रहा है मानो इनके ऊपर शक करके इनके जी का जंजाल जरूर किया हुआ है। भाई ये एनर्जी तुम्हारी है, मैं जबरदस्ती शुगर कोटेड बातें नहीं कर रही, तुम देख सकते हो बाद में बोलना नहीं कि दीदी शुगर कोटेड बोला हमको, नहीं भाई खुलकर बोल रही हूँ, जो सच है वो दिखा रही हूँ। ये तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे मन चला बिहेवियर, ये इनका बिहेवियर जिससे ये थोड़े से परेशान होते हैं। दीदी फिर भी थर्ड पार्टी के पास जाकर बैठा रहता है, अब बताती हूँ, क्योंकि आपकी थर्ड पार्टी जो है चाहे जैसी भी है पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाली पर्सनालिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, उससे उससे भागकर छुप जाने वाली पर्सनालिटी नहीं है। उन्होंने कोई बंधन बनाया, कोई रिश्ता बनाया, तो उसे उन्हें उन्हें वो निभाना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके साथ नहीं निभा रहे, वो आपके साथ भी निभाना चाहते हैं, पर कॉम्प्लिकेशन हर एक रिश्ते में होती है यार, जहाँ पे प्यार बहुत ज्यादा वहां लड़ाइयां भी होती है। बात करें थर्ड पार्टी की लास्ट एनर्जी की, इस एनर्जी में इनको हमेशा बर्डन फील होता है, इनको हमेशा लगता है कि बेसिकली थर्ड पार्टी इनको ये फील कराती है कि सब चीजें सिर्फ वो कर रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको बहुत लूजर जैसी फीलिंग देते हैं कि अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम तो कोई बिहेव ही नहीं कर रहे हो, अरे तुमने उस टाइम पे इतना सुन के लिया, मैं होती तो ये कर देती, तुम भाई हो ही नहीं किसी काम के। मतलब इनकी स्ट्रेंथ को बहुत गिरा देते हैं, इनको बहुत कमजोर महसूस कराते हैं, और जो इनको बहुत तकलीफ देता है, इनको लगता है कि शिट यार, क्योंकि कई बार इंसान सुन सुन के ना अपने आप को एक लूजर फील करने लगता है कि अरे यार मैं लूजर हूँ क्या, मतलब इस तरह से। कभी कभी इनको गलत जगह पे एग्रेसिव कर देती है कि भाई, या कर देते हैं कि भाई इनको लगता है कि अरे मुझे रिएक्ट करना है, और बाद में इनको पता चलता है वहां मैंने रिएक्शन गलत दे दिया, मैं बिना वजह का झगड़ा मोल आया, और बाद वहां पे उसकी गलती भी नहीं थी। तो थर्ड पार्टी इनको बहुत ज्यादा ऐसे फील कराती है कि सारा बर्डन उनके ऊपर है, और आपके पार्टनर तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो वेले हैं, उन्होंने कोई रिलेशनशिप में कभी भाग प्ले ही नहीं किया, उन्होंने कभी उनको कुछ दिया ही नहीं, उनको कोई खुशी दी ही नहीं, उन्होंने जिंदगी में उनको सिर्फ गम ही गम दिए, रुलाया ही रुलाया है, इन्होंने ही सब कुछ किया है। तो वो वाली एक एनर्जी है जिससे उन्होंने उनको परेशान कर रखा है, जी का जंजाल कर रखा है। तो बेसिकली आपके पार्टनर की ये आज ही की फीलिंग्स है, ये आज की ही उनकी एनर्जी है, जिस एनर्जी में हमने ये पाया कि वो थर्ड पार्टी को लेकर कुछ खासा हैप्पी या खासा मतलब एक सेटिस्फैक्शन नहीं फील करते, लेकिन आपके साथ उनकी जिंदगी बहुत रंगीन, बहुत ही सुंदर और बहुत ही हैप्पी। यूनिवर्स बताएं पलड़ा किसका भारी है इन फ्यूचर, थर्ड पार्टी या मेरे व्यूवर्स, किसको ज्यादा ऊपर रखा जाएगा, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा उड़ेगी, सबसे ज्यादा प्रायर कौन होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लारिफाई करें, क्लारिफायर के लिए जजमेंट, यूनिवर्स कह रहा है समय का इंतजार करो, सारी कहानी आज जानने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है एक्शन तो होगा लेकिन किसके प्रति, ये सस्पेंस में रहने दो। तो यूनिवर्स नहीं बताना चाहते तो मैं क्यों बताऊं यार, सस्पेंस रहेगा यहीं पे ही कंटिन्यू। यूनिवर्स कह रही है अपने कर्म पे ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि डेफिनेटली एक एक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसे सस्पेंस में रखा जाएगा, यूनिवर्स नहीं बताएगी आपको कि ये किसके लिए होगा, लेकिन यस आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं ऐसा कहूंगी। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चेप डालें जल्दी से, कमेंट करें आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और यस बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हैं, ब्रेसलेट बनवाना ना भूलें, हीलिंग और एंजाइटी के रिलीज के लिए ये जरूरी है। आप हमेशा सोचते हो दीदी आप इतना मुस्कुराते कैसे हो, पॉजिटिव कैसे हो, एक तो मेडिटेशन बहुत ज्यादा करती हूँ, दूसरा स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, आज तक पढ़ रही हूँ, दूसरा अपनी एनर्जीज को क्लींस करने की कोशिश में रहती हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी ब्रेसलेट भी मुझे वर्क करते हैं, मेरी ब्रेसलेट मेरी जिंदगी में जो मेरी कुंडली में चीजें अधूरी हैं उस चक्रा को रिकवर करते हैं। अमित सर को कॉन्टैक्ट करके डेफिनेटली अपने लिए भी ब्रेसलेट डिजाइन करवाएं, ठीक है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।